प्रधानमंत्री जी के लिए किशोर सिंह का भाजपा से सांसद नाम। मेरा प्रश्न है किशोर सिंह जी, मेरा प्रश्न है प्रधानमंत्री जी, पिछले 4 वर्षों में जिस तरह पूरे दुनिया में भारत की संस्कृति का गौरव बढ़ा रहे हैं, इससे पहले यह तस्वीर कभी देखने को नहीं मिली, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? नमस्कार। देखिए किशोर जी, आपने इतना बड़ा सवाल पूछ लिया है कि मैं हफ्ते भर बोलता ही रहूं। आप चुनाव के मैदान में है लेकिन आपको भारतीय संस्कृति की याद आती है, यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। हम चुनाव से भी काफी ऊपर सोचने वाले लोग हैं, हम देश समाज वर्तमान से भी आगे भविष्य का भी सोचने वाले लोग हैं। और मुझे खुशी होती है कि मेरे बूथ का एक कार्यकर्ता किशोर सिंह जब संस्कृति की चर्चा करता है तो इतना आनंद होता है कि वाह, पार्टी के जो संस्कार हैं वो नीचे तक पहुंचे हैं। तो मैं सबसे पहले तो दमोह के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि सोच आपके मन में है। देखिए, भारतीय संस्कृति नित्य नूतन चीर पुरातन है। भारत के पास वो सांस्कृतिक विरासत है जिसकी आवश्यकता पूरी दुनिया को है। दुनिया के सामने खड़ी चुनौतियों के बीच जीवन जीने की कला सिखाती हमारी संस्कृति आज भी दुनिया के लिए एक आशा की किरण है। यह दुर्भाग्य है पहले सत्ता में बैठे लोगों को हमारी अपनी संस्कृति पर नाज होने के बजाय उन्हें शर्म आती थी। आजादी के बाद दशकों तक यह माना जाता था कि भारत सपेरों और चूहे पकड़ने वालों का देश है, और सबसे बदतर स्थिति यह रही कि देश पर दशकों तक शासन करने वाले राजनीतिक वर्ग ने इन हास्यास्पद बातों को बढ़ावा दिया। आपने एक तस्वीर देखी होगी जिसमें भारत के एक प्रधानमंत्री विदेशी मेहमान के साथ हैं और एक सपेरा बीन बजा रहा है। क्या ये जरूरी था? क्या हमारा आत्मसम्मान इतना गिरा हुआ है? और इसलिए भाइयों बहनों, हम सबने संकल्प करना है, सबने प्रण करना है कि इस परिस्थिति को पलटना है। हमारे यह कर्तव्य है कि हम भारत, भारतीय संस्कृति के मूल विशेषताओं को, गुणों को दुनिया के सामने पेश करें। और इसलिए नहीं कि भारत के हम हैं, हजारों साल एक देश चला है, कुछ परंपराएं विकसित हुई हैं, पारिवारिक व्यवस्थाएं विकसित हुई हैं, समाज के सभी, दुनिया के सभी संप्रदाय जिस देश में साथ मिलकर के रहते हैं, तो कुछ तो ताकत है। अगर ये ताकत है तो दुनिया को दिखाते क्यों नहीं हम लोग? शर्मिंदगी की इस बात की। और मैं तो जहां भी जाता हूं दुनिया को कहता हूं, आइए साहब, अरे आपके छोटे छोटे देश में भी साथ रहना मुश्किल है। हम 100 से अधिक भाषाएं, 1700 बोलियां, दुनिया का सब संप्रदाय जिस धरती पर पलता है बढ़ता है, हमें साथ रहने कैसे चाहिए? ये हमारी सांस्कृतिक विरासत के तहत है। और इसलिए जब विदेशी मेहमान भारत आते हैं तो मैं उनको हमारे देश की विशेषता जगह, मैं गंगा आरती के लिए लोगों को काशी ले जाता हूं और विदेशी मेहमान भी गंगा आरती उतारते हैं। कभी मैं उनको मेट्रो में ले जाता हूं, उनको बिठाता हूं। हमारी ये ताकत है। विदेशी नेताओं को कभी मैं यूपी के मिर्जापुर के सोलर पार्क को देखने के लिए ले जाता हूं। गांव के आदमी भी सोलर पार्क में कैसा काम कर रहे हैं, अपने यहां टेक्नोलॉजी में हो रहे इनोवेशंस की अनुभूति कराने के लिए कभी मैं उनको बैंगलोर लेकर के जाता हूं। ये मेरा भारत है, अपनी जड़ों पर गर्व है और अपने भविष्य के प्रति आश्वान्वित है। आज हम ऐसे दृश्य देखते हैं जब हमारे देशों के राष्ट्र अध्यक्ष गंगा आरती कर रहे हैं, तब हर भारतीय गर्व महसूस करता है। आज जब विदेश मेहमान भारत आते हैं तो उन्हें भारतीय संस्कृति का बहुमुखी दर्शन मिलता है। आपने देखा होगा कि पिछले सालों में हमारे देश की प्राचीन मूर्तियां जो चोरी हो गई थी, मूल्यवान थी, अमूल्य थी, अलग अलग देशों से वापिस लाने के पीछे हम लगे रहे और लगातार आती रहती है, हम लाते रहते हैं। आप मुझे बताइए, जब पूरी दुनिया योग करती है, कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको गर्व नहीं होता होगा? अरे सूरज की पूजा हम सालों से करते आते थे, आज सोलर अलायंस के नाम पर पूरी दुनिया सूरज की पूजा में लग गई है। यही तो विशेषता हमारी है। आपने देखा होगा
और मैं मानता हूं हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा, अभी पूज्य बापू के 150वीं जयंती मना रहे हैं, और दुनिया के 150 देश वैष्णव भजन तो तेने रे कहिए, जो गांधी जी का प्रिय गाना था वो गाए। हमारे विदेश मंत्रालय ने एक छोटा सा प्रयास किया, अब तक करीब 125 देशों ने उसको गाया है, और आप अगर उसको सुनोगे और डेली दूरदर्शन वाले दिखाते हैं अलग अलग देश के, मन को इतना इतना प्रभाव पैदा होता है कि हमारे देश का सदियों पहले लिखा गया वैष्णव भजन तो तेने रे कहिए, जो पूज्य बापू को प्रिय था वो आज पूरा विश्व गुनगुना रहा है। किसको गर्व नहीं होगा भाई? और उसमें से जो लोग उसके अर्थ समझते हैं तो उनको और आनंद होता है कि सदियों पहले भारत में ये चिंतन रहा था, तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर की बात पहुंचती है। देखिए ये बहुत बड़ी बात हुई है, और इसलिए बापू की 150वीं जयंती एक भजन ने दुनिया को जोड़ दिया है। आप जानते हैं 2013 में भूकंप आया, केदारनाथ पर यानी क्लाउड बस्ट हुआ, बड़ी बड़ी तबाही हो गई। क्यों नहीं हुआ इतने साल? हम पूरी तरह लगे, मैं खुद जाता हूं केदारनाथ का पुनर्निर्माण, 125 करोड़ देशवासियों की श्रद्धा का केंद्र है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति से कतराते थे। हमने केदारनाथ जी को पुनर्निर्माण का बेड़ा उठाया है, और आप अब जाते होंगे देखते होंगे बदलाव नजर आता होगा, अभी तो काम चल रहा है, जो होगा तो कैसा होगा। और इसलिए हमारी देश की जो विशेषता है इस पर हमें नाज होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि जो भारतीय संस्कृति की आपने बात कही है उसको मैं अच्छा मानता हूं।